तो हरगिज, आप में से क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, क्योंकि आज हम लेने वाले हैं उन्हीं क्रिकेट बॉल की टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास में है टेनिस बॉल जो काफी हार्ड है, और ये है हमारे पास में रबड़ की बॉल, काफी मुलायम है ये, लेकिन फिर भी ये भी मजबूत है। तो हरगिज, इन दोनों के साथ में हम आज कुछ अनोखा टेस्ट करने वाले। तो हमारे पास में एक प्रेशर कुकर और उसके अंदर भरा है पानी, आप देख सकते हो गाइस। इसके अंदर हमने इतना पानी ले लिया है और दोनों बॉल को इसके अंदर डालेंगे और फिर करेंगे इन दोनों बॉल्स को काफी गर्म, और फिर देखेंगे कि कौन सी बॉल सर्वाइव कर पाती है या नहीं गाइस। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड तक, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी बॉल खुद को नहीं बचा पाएगी। तो गाइस सबसे पहले हम कर लेते हैं गैस को ऑन। गाइस तो गैस हो चुका है हमारा ऑन, इसे रख देते हैं ऊपर। और गाइस सबसे पहले डाल लेते हैं रबड़ की बॉल को और ये है टेनिस की बॉल, दोनों को साथ में डाल दिया है। अब कर लेते हैं इसे यहाँ से लॉक, इसे कम से कम हम 3-4 सिटी तक अंदर रहने देंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है दोनों बॉल का। हमारे गैस को चालू हुए कम से कम 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक सीटी नहीं आई है, लेकिन अब सीटी आने वाली है क्योंकि पानी ज्यादा गर्म हो चुका है और आप देख सकते हो इसके अंदर से भाप आना चालू हो गई। लेकिन हम लेने वाले 3 सीटी और देखेंगे कि कौन सी बॉल सर्वाइव कर पाती है या नहीं। अब आ चुके हैं इसकी पहली सीटी, इसे कर लेते हैं हम बंद। तो भाई अब होती है 3 सीटी पूरी और इसकी निकाल लेते हैं हम पूरी पूरी गैस और इसकी निकाल लेते हैं। के अंदर से हमने निकाल ली है पूरी की पूरी गैस। दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि क्या हुआ होगा इन बॉल्स के साथ में गाइस। आई थिंक मेरे हिसाब से तो रबड़ की बॉल का हाल चाल काफी ज्यादा खराब हो गया होगा, लेकिन अभी देखते हैं हम। ओह माय गॉड गाइस, देख सकते हो आप किस तरीके से बुलबुले आ रहे हैं, सही से दिखा भाई दोनों। ओह माय गॉड, देख सकते हो गाइस की रबड़ की बॉल और दोनों बॉल के अंदर से किस तरीके से बुलबुले आ रहे हैं बाहर। हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा पानी कम कर लेते हैं। गाइस अभी आप देख सकते हो कि ओ माय गॉड, बॉल जो है काफी ज्यादा गर्म हो चुकी हैं, लेकिन दोनों बॉल्स को कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ गाइस, लगता है ये बॉल तो और ज्यादा मजबूत हो गई हो वैसे लग रहा है, और रबड़ की बॉल में कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिला गाइस। दोनों की दोनों बॉल
सेम उसी कंडीशन में है जैसे पहले थी, बॉल के साथ में कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आपके दिमाग में कुछ भी आइडियाज आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते किसी और बेहतरीन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।